उत्तर प्रदेश में मई के दूसरे सप्ताह में गर्मी ने प्रचंड रूप धारण कर लिया है। तापमान ने 42 डिग्री सेल्सियस का आंकड़ा छू लिया है और अगले कुछ दिनों में यह 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। जानिए इस भीषण गर्मी में कैसे बचें और क्या है अगले 5 दिनों का मौसम पूर्वानुमान। पिछले 2 दिनों में ही उत्तर प्रदेश में तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। लखनऊ मौसम केंद्र के अनुसार अगले 3 दिनों में यह 45 डिग्री तक पहुंचने की संभावना है। आने वाले 3 से 4 दिनों में उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए बेहद गर्म और सावधानी बरतने वाले होंगे। गर्मी के चलते लखनऊ समेत प्रदेश की ज्यादातर सड़कों पर सन्नाटा छा गया है। लोग सिर्फ बहुत जरूरी होने पर ही बाहर निकलें और जो बाहर जा रहे हैं वो अपने आप को अच्छे से ढककर और पानी की बोतल लेकर ही निकल रहे हैं। अस्पतालों में हीट स्ट्रोक और लू लगने के मामले बढ़ते जा रहे हैं। लखनऊ मौसम केंद्र के वरिष्ठ वैज्ञानिक मोहम्मद दानिश ने अगले 5 दिनों के लिए लोगों को बेहद सावधान रहने की सलाह दी है। जरूरी होने पर ही बाहर निकलें और अगर निकलें तो सिर और चेहरे अच्छे से ढककर और पानी की बोतल साथ रखें। लखनऊ का आज का तापमान अधिकतम 41 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस। बाराबंकी, हरदोई, कानपुर, लखीमपुर खीरी, गोरखपुर, वाराणसी, बलिया, बहराइच और प्रयागराज में न्यूनतम तापमान 23 से 24 डिग्री और अधिकतम तापमान 36 से 39 डिग्री के बीच रहेगा। वहीं फतेहपुर, बांदापुर, सुल्तानपुर, फैजाबाद, फुर्सतगंज, गाजीपुर, फतेहगढ़, बस्ती, झांसी, उरई और हमीरपुर में न्यूनतम तापमान 20 से 23 डिग्री और अधिकतम तापमान 37 से 39 डिग्री के बीच रहेगा। बरेली, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, मेरठ, आगरा, अलीगढ़, बुलंदशहर और इटावा में न्यूनतम तापमान 22 से 24 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 37 से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। बात करें आजमगढ़, नोएडा, गाजियाबाद, हापुड़, सहारनपुर, बाराबंकी, कन्नौज और हरदोई जैसे जिले में अधिकतम तापमान 38 से 40 डिग्री और न्यूनतम तापमान 24 से 25 डिग्री के बीच रहने का पूर्वानुमान है। इस भीषण गर्मी में अपने और अपने परिवार की सुरक्षा के लिए बाहर निकलते समय पानी की बोतल साथ रखें, सिर और चेहरे ढककर रखें और जब तक बहुत जरूरी ना हो घर से बाहर ना निकले। तो ये था उत्तर प्रदेश का मौजूदा मौसम और अगले 5 दिनों का पूर्वानुमान। सुरक्षित रहें और इस भीषण गर्मी से बचने के लिए जरूरी उपाय अपनाएं। लोकल 18 के लिए लखनऊ से अंजलि सिंह राजपूत की रिपोर्ट।